तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की जाती का लाल। कुछ RRR टीम के सदस्य फिल्म की रिलीज डेट से क्यों लगातार बनी है RRR को लेकर खबरें? RRR किसके तोड़ेगी रिकॉर्ड? जानने इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेज और जूनियर NTR की फिल्म RRR अब इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। इसके रिलीज को लेकर लगातार न्यूज आती रहती है, कभी कोई नई डेट अनाउंस होती है तो कभी उस डेट को खारिज करके एक और रिलीज डेट आ जाती है। तो कभी इससे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली ने कहा था कि वो मूवी को तय वक्त के मुताबिक 13 अक्टूबर 2021 को ही रिलीज करेंगे, लेकिन अब फिर से ये भी डेट खारिज हो गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेकर्स इस फिल्म को अगले साल ईद पर ही रिलीज करना चाहते हैं। अब ये भी कितना सच है ये आने वाले कुछ हमें दिन ही बताएंगे। बता दें कि डायरेक्टर राजमौली फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन फिल्म से जुड़े बाकी लोग उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि फिल्म को रिलीज करने का ये ठीक समय नहीं है। मेकर्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी भी डरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि फिल्म अपनी लागत और उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि मेकर्स इस साल की बजाय इसे अगले साल रिलीज करने का मन बना रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजमौली की इस फिल्म के नॉर्थ इंडियन थिएटरिकल राइट्स पैन इंडिया ने रिकॉर्ड कीमत में खरीदे हैं। इस डील के साथ ही रिलीज होने से पहले ही RRR का टोटल बिजनेस अब 890 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करीब 900 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसके साथ ही RRR ने बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया है। मेकर्स को उम्मीद है कि RRR बाहुबली 2 के सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। बता दें कि 1810 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ बाहुबली 2 इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। अब फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही अटकलों से तो यही लग रहा है, क्या RRR की रिलीज डेट अब भी फाइनल नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसमें आपकी क्या राय है। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। इसके साथ जाने से पहले मेरे दोस्त वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। दिस इज अनविता साइनिंग आउट। सायोनारा।